सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस और उसके बाद रालोद के गठबंधन को लेकर। कांग्रेस के बाद गुरुवार को सपा ने भी रालोद के साथ में गठबंधन की 29 प्रत्याशियों पर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें 10 कैंडिडेट सपा के हैं जबकि 19 कैंडिडेट्स रालोद ने घोषित किए हैं। पहले चरण के मतदान वाली सीटों में चरथावल से पंकज मलिक, मीरापुर से चंदन गुर्जर और साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा और किठोर मेरठ से शाहिद मंजूर और खतौली विधानसभा से रुपेश सैनी का टिकट फाइनल किया गया है। कैराना से भी टिकट कट चुका है और किठोर से बात करें तो शाहिद मंजूर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। मेरठ से रफीक अंसारी जो कि सपा के कैंडिडेट होंगे और साथ ही धुलाना से असलम चौधरी जो कि सपा के प्रत्याशी हैं। तो कौल सलमान सईद सपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो साथ ही अलीगढ़ से सपा ने जफर आलम को टिकट दिया है और आगरा केंट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कुंवर सिंह वकील को अपना प्रत्याशी बनाया है। बा मधुसूदन शर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और साथ ही साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा होंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और शामली से आरएलडी की तरफ से प्रसन्न चौधरी उम्मीदवार होंगे। चरथावल से सपा की तरफ से कैंडिडेट पंकज मलिक होंगे और पुरकाजी से आरएलडी ने अपना उम्मीदवार अनिल कुमार को बनाया है। कतौली की बात करें तो आरएलडी ने राजपाल सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और नहटोर की बात करें तो आरएलडी ने मुंशी राम का नाम फाइनल किया है और बागपत से आरएलडी ने अहमद हमीद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं आरएलडी की तरफ से लोनी से मदन भैया उम्मीदवार होंगे और मोदीनगर से आरएलडी ने सुदेश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हापुड़ की बात करें तो आरएलडी ने गजराज सिंह को उम्मीदवार तय किया है। जेवर की बात की जाए तो आरएलडी की तरफ से अवतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं बुलंदशहर में आरएलडी के उम्मीदवार हाजी यूनुस होंगे और सयाना की बात करें तो आरएलडी की तरफ से दिलनवाज होंगे और खैप की बात की जाए तो आरएलडी की तरफ से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी चुनावी मैदान में होंगे। सादाबाद से आरएलडी की तरफ से प्रदीप चौधरी गुड्डू उम्मीदवार है। तो वहीं छाता से आरएलडी ने तेजपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। गोवर्धन की बात की जाए तो आरएलडी ने प्रीतम सिंह का नाम का ऐलान किया है और बबीता देवी आरएलडी के उम्मीदवार होंगी। आगरा देहात से महेश कुमार जाटव जो कि आरएलडी के उम्मीदवार होंगे और फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर को टिकट दिया गया है, नाम का ऐलान कर दिया गया है। खेरागढ़ की बात करें तो शैतान सिंह होंगे आरएलडी के उम्मीदवार। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। रालोद सपा के गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए ट्वीट किया है और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगा। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। तो वहीं प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे और एक एक विधायक से आपकी विधानसभा आपकी सरकार बनेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।